राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय उपाय यमुनाबाई लक्ष्मणराव नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल आपके सामने पेश करते हैं नुक्कड़ नाटक नारायण नारायण नारायण। प्रभु प्रभु आपको पता है पृथ्वी पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पृथ्वी पे? डॉक्टर लोगों को मार दिया जा रहा है प्रभु। अच्छा हाँ तो चलिए हम भी जाके देखते हैं। हाँ चलिए प्रभु, पहले हम पृथ्वी का चक्कर काट के आते हैं। प्रभु इस भारतवर्ष में हम जाते हैं प्रभु। चलिए चलो। अरे हाथ तो हॉस्पिटल में जा लूं काहे? हाँ ठीक है। अरे डॉक्टर साहब ये छाती में दर्द हो रहा है। आपने पेपर निकाला? नहीं काम आप निकाल के लीजिए ना, बाकी काम है यार। ये डॉक्टर कुछ काम नहीं करता है यार। आपको क्या हुआ? डॉक्टर छाती में दर्द हो रहा है। काम कर, रिपोर्ट क्यों ना ठीक हो। हेलो हाँ माँ, हाँ मैं ठीक हूँ माँ। रोहन हाँ पढ़ाई भी ठीक से चल रही है? हाँ एक मिनट, मुझे सीनियर डॉक्टर का कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो अरे कहाँ है तू? सर एक्चुअली मैं कैंटीन में आया अभी खाने के लिए। अरे क्या कैंटीन में खाना खा रहे हो? पेशेंट कौन चेक करेगा? सर जस्ट अभी आया हूँ सर जस्ट। अरे यार क्या काम नहीं करते, जल्दी आओ तुम। ठीक है सर। सर कोई तो भेजिए प्लीज, बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। अरे इतने कम टाइम में कौन आएगा? अभी कहाँ से डॉक्टर नहीं, तुम्हें ही करना पड़ेगा, जाओ काम करो। सर अरे क्या तुम नखरे चल रहे रहते हो तुम्हारे? अरे हमारे जमाने में हम कितना काम करते थे। अरे हम जीने रहे ना, हम बता रहे तुमको, चेक करो कुछ नहीं होता। सर 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 क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है सर। डॉक्टर आवेश अंदर लगे। डॉक्टर अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना पूरे 200 लोग लेके आऊंगा तेरे को मारने के लिए। हम कर रहे हैं ठीक है। अच्छा अपने आप लाने में काफी देर करती तो उनका ब्लड लॉस भी काफी हो चुका था, हमने पूरी कोशिश की लेकिन क्या बोल रहा है तू? आप समझ नहीं, कोशिश कैसे क्या मार गया मेरा भाई? समझिए आप। नारायण नारायण। प्रभु देखा डॉक्टर को कितनी गंदी तरह से मार दिया गया है? हाँ हम भी देख ही रहे हैं। वो दिन रात काम करता है, पेशेंट को चेक करता है, खाना भी टाइम पे नहीं खाता, नहाता धोता कुछ नहीं है, फिर भी उसको क्यों मारा प्रभु? गलती तो सब करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन खाली डॉक्टर क्यों को मार जाता है? डॉक्टर ही है, मार तो खाते ही रहेंगे। नमस्कार, आज की ताजा खबर, आज की ताज़ा खबर में मेन रिपोर्टर XYZ अपने कैमरामैन के साथ। हाँ तो आज की खबर है, अभी न्यूजीलैंड में बारिश चल रही है, विराट कोहली गीले हो गए और इसकी वजह से मैच नहीं हो सकता। और एक न्यूज़ खबर है, आज तैमूर ने टट्टी नहीं की है। क्या यार बहुत बहुत मतलब क्या चल रहा है। हेलो हाँ अच्छा, और हमारे पास एक और खबर आई है, किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर को मारा गया है उसने काम न करने की वजह से, तो देखते हैं अस्पताल में जाके। आप बता सकते हो क्या कि मतलब ये स्ट्राइक क्यों चल रहा है यहाँ पे? अरे ये प्रोटेस्ट थोड़ी देर का उसका रोज का है, उधर गोली गिरला हो रहा, मैच नहीं हो रही, उधर फोकस करो। हाँ बराबर है, मैच तो सर सर यार मेरे डॉक्टर का फोन में नहीं आया, तुम मीडिया वाले को भी ना बोलते हो तो सर। यार किसको पूछूं मैं सर, वो स्ट्राइक के बारे में कुछ बता सकते हो? स्ट्राइक ना? अरे यार विराट है ना, रोहित का स्ट्राइक देखने यार तो आपका क्या बोलना है? मुझे बहुत बेरहम से पिटा गया है यहाँ पे, हम बस ये चाहते हैं कि हमें सेफ मिले। जो पेशेंट यहाँ पे आया था वो खुद 150 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था, उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हमने हमारी पूरी कोशिश की। अच्छा तो मतलब डॉक्टर उसे ट्रीट नहीं कर पाए और ब्लेम फिर पेशेंट को ही कर रहे हैं? देखिए हमने अब स्ट्राइक पे भी चले गए लेकिन हमारी कैजुअलिटी और इमरजेंसी चालू है, अभी जमरजेंसी पेशेंट। अच्छा इमरजेंसी बंद कर दी गई है, वाह नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। तो आप देख सकते हैं अस्पताल में आज मंत्री जी आ गए, तो मंत्री जी आपका इस बारे में क्या कहना जी? घटना झालेली आहे काल,
त्याबद्दल आम्ही चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत आणि त्यावर चौकशीच्या आदेशानंतर आम्ही नंतर कारवाई करू त्याच्यावर योग्य. आपण तुमचं काय म्हणणं आहे आपल्या राज्यात गोंधळ चालले डॉक्टरना मार आले ते आप क्या इनके हाथ में क्या बंदूक थाम दिया हम इनके सिक्योरिटी के लिए उनका चालू रहता है हर बार का कुछ ना ये देखते हैं बाद में. तो मंत्री जी ने अपना बयान दे दिया है आप देख सकते हैं पूरा अस्पताल बंद है डॉक्टर कुछ काम करने रहे रोज पर रोज पेशेंट की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है देखते हैं आगे क्या होता है. बेटा अरे बेटा क्या कर क्या रहे हो तुम क्रिकेट खेल रहे हो पापा मुझे बताओ बड़ा होकर तुम्हें क्या बनना है डॉक्टर बनना है आप पढ़ाई करो ना दो इधर बैठ. अरे पापा हेलो अच्छा सीटी हो रही है इलेवेंथ का नहीं आ रहा है अच्छा ठीक है एक मिनट. हेलो अच्छा नीट हो रही है सीटी नहीं हो रही है तो इलेवेंथ का आ रहा है एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा. अरे यार एग्जाम को एक महीना है और कब बताते हैं यार ये लोग. चलो यार एक बार का सब कुछ खत्म हो गया अब आ गया एमबीबीएस में. जूनियर है. हाँ सर बोलो. फर्स्ट ईयर है. हाँ सर बोलो ना. कैसा लग रहा है आके. अच्छा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. अबे पूरे एनएट फिजियो बायके मेडिसिन सर्जरी ऐसे कुल मिला के 19 सब्जेक्ट है क्लिनिकल कोचिंग है इंटर्नशिप है पूरा साढ़े पाँच साल पढ़ना पड़ता है. बापरे. अच्छा लेकिन उतना होने के बाद हो गया ना. नहीं भाई अभी तो कुछ नहीं अभी तो नीट पीजी बाकी है. फिर से नीट. ट्रिंग ट्रिंग. हेलो कैसा है साफिया. यार मस्त है. क्या कर रहा है. यार मैं तो पढ़ रहा है. यार तू अभी भी पढ़ रहा है. यार मैं तो यूएस में कब का सेटल भी हो गया. जल्दी से तू दूसरे देश में जाके सेटल हो ना पढ़ के. तेरे को मैं फिट हूं मैं यार. हाँ बिल्कुल. हेलो. अरे सपनर. हाँ बोल रहा है. माझा मस्त बायको भेटली आहे. भाई लग्न तुझं. तू काय करतोय का नाही लग्न. यार माझं लग्न आपल्या हातात नसणार आहे ते. बर बघ ये उद्या. हाँ नक्की नक्की. हा बोल काय करतोय रे. अरे वाचतोय रे. अरे काल मला मुलगा झाला. भाई तू फंडी मटवली. अरे मुलगा झाला तू तिथेच आहेस का अजून. बघायला येते ना चोरीला जायच्या आधी. खतरनाक राव. धन्यवाद. सोबतचे मुलं 5 वर्ष होऊन सेटल झाले आणि मी आधी वाचलोच नाही. कुणासाठी. माझ्यासाठी. मला नाही वाटत. अरे पढाई कर पढाई. क्या टाइमपास कर रहा. अरे मेडिसिन सर्जरी गायना किती विषय आहे. काय करतोय तू. अरे पापाने इतना एज्युकेशन लोन लिया वो कब चुकाएगा. ये तो फॅमिली का पहिला डॉक्टर आहे. कोई फॅमिली बॅकग्राऊंड नाही आहे. क्या खास डॉक्टर बनेगा तू. बस हमारी मांगे पूरी करो. वी वांट जस्टिस. वी वांट जस्टिस. अरे तू काम करा ना यार. हे संप बिंप करायचे काम तुमचे नाही आहेत. काय करताय. हमारी पिछली से बेसिक वो तो हमें पूरी दीजिए आप. क्या चाहिए क्या चाहिए आपको. आपको 4 घंटे की मोहलत देता हूँ. हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाओ ना तो हॉस्टल खाली कर दो. नहीं तू क्या कर लो. क्या कर लोगे. पेशंटला मी तोच तो नेता आहे ना जिने म्हणजे तुम्हाला ड्युटीवर घेणार नाही 4 घंटेच्या आज तुम्ही जॉईन झाला तर. असे किती लोक. हा नेता फक्त एक एक्झाम्पल आहे. असे किती लोक आज हे डॉक्टर हैवान समजतात आणि असतीलही यात काही चुका. पण शूटाने पण माणसं आहोत ना. अहो प्रत्येक ड्युटीला ड्युटी आज दिलेले आहेत. 8 घंट्याच्या वरील 1 मिनिट कुणी काम करत नाही. पण डॉक्टर्सला डॉक्टरचा ड्युटी आजच नाही. इंटर्न्स पीजीज रेसिडेंट्स व घंटे घंटे काम करतात. 12-12 घंटे 8-8 घंटे काम करतात. तरी पण त्यांना राहायला नाही सुविधा नाही ना पगार नाही ना सेफ्टी नाही. मग का म्हणून आम्ही काम करावं. आमच्या आयुष्यातले तारुण नेते 10 वर्ष आम्ही खर्च करतो आणि डॉक्टर बनतो. कोणासाठी. तुमच्यासाठीच ना. असतील आमच्या काही चुका. आम्ही कितीतरी चिडतो पेशंटवर. पण जे काय आहे ते असतं. आमच्याकडे कामाचा व्याप असतो म्हणूनच ना. शेवटी आमचं इंटेन्शन काय तुम्ही ठीक आहो हेच ना. पण तुम्हाला तुम्हाला फक्त डॉक्टरमध्ये दिसतो की पैसा कमवणार आहे. बाकी मी पैसा कमवतो लक्झरी लाईफ जगतो. पण त्या मागची 10 वर्षाची मेहनत ती तुम्हाला दिसत नाही. तुम्हाला दिसत नाही की आम्ही 10 वर्ष आई वडिलांना सोडून बाहेर राहून मेहनत करतो तेव्हा डॉक्टर बनतो. वा आणि जनता काय म्हणते की अरे हे तर काय हे तर लक्झरियस लोक आहेत. एकदम समाजशिकीत लोक की जे आमच्यासोबत एक दिवस घालून बघा तेव्हा तुम्हाला काय डॉक्टरची लाईफ काय असते ते. आणि हा आज पडला आहे. लोकांना ते आम्ही ट्रीट करावं. आम्ही जर खरंच ट्रीट करणार नाही तर
सगळ्या डॉक्टरने ट्रीट करणार नाही तर काय कंडिशन आहे देशाची? पण आम्ही असं कधी करणार नाही, कारण की आम्ही शपथ घेतली आहे, हिपोक्रेटिक ओथ ती घेतली आम्ही. कसा जरी पेशंट आला त्याने आम्हाला कसं जरी वागवलं, शिवीगाळ केली, त्यामुळे त्याला ट्रीट करणारच, कारण तेच आमचं कर्तव्य आहे. त्यांचं कर्तव्य कधी विसरणार नाही. देखा आपने, आपने तो कहा था कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तो एक पेशेंट की जान बचाई आपके सामने. अब तो ये इंद्र भी मान चुका है कि धरती का असली भगवान तो डॉक्टर ही है. हाँ वो ठीक है, लेकिन उनका वो भी तो इंसान है, उनको भी इंसानियत से समझना चाहिए, वो उनको भी पर्सनल लाइफ है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए. माना कि उनका काम भगवान जैसा है, लेकिन उनको इंसानियत से ट्रीट करना भी हमारा कर्तव्य है प्रभु. लेकिन प्रभु इसके बाद भी ऐसा इंसिडेंस हुआ तो फिर जनता जवाब दो. सेव द सेवियर.